मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद आज इंदौर में पुरानी बावड़ियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम और जिला प्रशासन ने शुरू की। वहीं पटेल नगर स्थित राम नवमी के दिन जो बावड़ी में 36 लोगों की हादसे में मौत हुई, वहां भी अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही बावड़ी को भी बंद करवा दिया गया। वहीं नगर निगम जिला प्रशासन के अफसर इस पूरी कार्रवाई में मौजूद रहे। देखिए आप न्यूज की एक खास खबर। इंदौर में रामनवमी पे हुए बावड़ी हादसे के बाद जिस प्रकार से इस हादसे की पूरे देश में गूंज सुनाई दे रही थी, क्योंकि 36 लोगों की मौत इस बावड़ी में होने के बाद जिस प्रकार से यहां पर जो विरोध के स्वर गूंजे थे, उसी को लेकर अब नगर निगम और जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से प्लानिंग तय की थी, उसी प्लानिंग के तहत आज इस बावड़ी को यहां पर जमींदोज किया गया है। इस बावड़ी को भरा जा रहा है, इस बावड़ी में जिसमें तकरीबन 36 लोगों की मौत हुई थी, इस बावड़ी के अंदर इस बावड़ी को बंद किया जा रहा है। और इसी के साथ जो आसपास का अतिक्रमण था, जो अतिक्रमण यहां पर तोड़ना था, उस अतिक्रमण को भी आज इंदौर नगर निगम जिला प्रशासन की टीम ने मिलकर यहां पर उस अतिक्रमण को भी तोड़ा है। यह आपको सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह जो वो बावड़ी है जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी इस बावड़ी में, और इस बावड़ी को अब यहां पर बंद किया जा रहा है ताकि इस प्रकार के जो घटनाक्रम हो वो दोबारा ना हो, उसी को लेकर इस बावड़ी को बंद किया जा रहा है। क्योंकि ये बावड़ी पूरी तरीके से अंदर से जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, अंदर से जो बावड़ी के अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी जिसको बंद करना जरूरी था। इस बावड़ी को फिलहाल यहां पर डिसमेंटल कर दिया गया है, बावड़ी को बंद कर दिया गया है। जो आसपास का अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को भी तोड़ दिया गया है। तकरीबन नगर निगम की 5 पोकलेन मशीनें, उसी के साथ पुलिस प्रशासन का तकरीबन 4 थानों का बल यहां पर मौजूद है। पूरी कार्रवाई में तकरीबन 250 कर्मचारी यहां पर लगे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम की बात करें तो सभी अधिकारी यहां पर फिलहाल मौजूद है। सुबह तकरीबन 5 बजे यह कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। 5 बजे के बाद से ही लगातार यह पूरी कार्रवाई को जिला प्रशासन नगर निगम अंजाम दे रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहां पर मुस्तैद है, और उसी के साथ पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी जिस प्रकार से इस पूरे यहां पर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसमेंटल कराने में अच्छे तरीके से जो भी यहां पर उचित निर्णय लेकर जो भी हो सके उसको पूरा किया जा रहा है। तकरीबन 36 लोगों की मौत के बाद आज नगर निगम ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में इंदौर में तकरीबन 5 जगहों इसी प्रकार की कार्रवाई शुरू की गई है, जहां पर जो बावड़ियां हैं, जो पुराने कुएं हैं, जिनको अतिक्रमण करके पिक कर दिया गया था, अतिक्रमण करके उसको वहां से अतिक्रमण मुक्त करा के उनको डिसमेंटल भी किया जा रहा है, अतिक्रमण उनके आसपास से हटाया जा रहा है ताकि इस प्रकार का घटनाक्रम दोबारा दोहराया ना जा सके। इस वक्त इंदौर से MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।